वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम आपको लेकर चलते हैं खास खबर की ओर। हम आपको बता दें कि कोरोना महामारी पूरे विश्व स्तर पर है और इस महामारी से सारी दुनिया त्रस्त है। अब हमारे देश की अगर हम बात करें, भारत की बात करें, तो पहले भी भारत बंद किया गया था ताकि कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी से रुकावट हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद दूसरी बार भी लॉकडाउन किया गया और अब तीसरी बार का लॉकडाउन चल रहा है। चौथी बार का भी आगमन सुनने में आ रहा है कि कुछ शर्तों के साथ आएगा, लेकिन लॉकडाउन जब से लगा है पहले ही दिन से, दिल्ली की पुलिस की अगर बात करें तो थाना नजफगढ़ में सुबह और शाम का गरीब और मजदूर जरूरतमंद लोगों को खाना दिया जा रहा है, साथ ही सैनिटाइजर से उनके हाथ धुलाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए उनको मास्क भी दिए जा रहे हैं ताकि कोरोना महामारी से बच सके। यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दिल्ली के नजफगढ़ थाने की हैं। हम आपको बता दें कोरोना महामारी के लॉकडाउन पहले, दूसरे और तीसरे चरण में थाना नजफगढ़ पहुंचकर समाज सेवी विपिन गुलिया ने दिल्ली पुलिस की महिला पुलिस के साथ साथ थाना नजफगढ़ के SHO सुनील कुमार मित्तल की बहुत बहुत सराहना की है। उन्होंने कहा थाना नजफगढ़ के SHO कानून व्यवस्था को देखते हुए कोरोना की इस वैश्विक महामारी में लॉकडाउन के पहले ही दिन से गरीब मजदूर और जरूरतमंदों के लिए थाना नजफगढ़ में ही रसोई लगाकर सुबह और शाम का खाना और मास्क बांटे जा रहे हैं। समाज सेवी विपिन गुलिया ने कहा इन भीषण परिस्थितियों में जो कार्य दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए हैं पूरे भारत के लिए इंसानियत का एक ऐसा संदेश है जो इसको कभी भुलाया नहीं जाएगा। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के पहले दिन से ही नजफगढ़ थाने ने वाकई में विश्व स्तर पर काम किया है और एक ऐसी रसोई चालू की है जो गरीब और मजदूर जरूरतमंद लोगों को सुबह और शाम का खाने के साथ साथ मास्क भी दिए जाते हैं और सैनिटाइज से उनके हाथ भी धुलाए जाते हैं ताकि कोरोना महामारी के चलते उनको कोरोना जैसी भयानक बीमारी ना लग सके। ऐसे में यहाँ पर बड़े बड़े समाज सेवी और बड़े बड़े संस्था के लोग पहुँचते हैं नजफगढ़ थाने में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं विपिन गुलिया जी, जो कि समाज की सेवा करते हैं, नर सेवा और नारायण सेवा में विश्वास रखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से देखते हैं वो इस वर्दी की जान को और इस दिल्ली पुलिस की आन को, जो आज कानून के साथ साथ जरूरतमंद और गरीबों को भी देख रहा है। सर, किस तरीके से देखते हैं कि यहाँ सुबह से लेकर शाम तक हजारों लोगों को खाना दिया जाता है और दिल्ली पुलिस की महिलाएं खुद खाना बनाकर उनको खाना दे रही हैं और साथ ही मास्क दे रही हैं, सैनिटाइज से उनके हाथ भी धुलाए जाते हैं। देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले हमारे जो नरोड़ के SHO साहब है सुनील मित्तल जी, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 35 साल का जीवन मैंने नरोड़ में व्यतीत किया, आज तक मैंने नरोड़ थाने की तरफ से ऐसी कोई मुहिम नहीं देखी है। और एक ऐसे समय पर जब इतनी बुरी ये महामारी चल रही है, लोग एक दूसरे से मदद करना तो दूर की बात, मिलना भी नहीं चाह रहे, एक दूसरे इतना डरे हुए हैं, लोग घबराए हुए, उस समय के ऊपर एक सुनील मित्तल जी आगे आए हैं समाज में और एक सबसे बड़ा आईना पेश कर रहे हैं कि देखो लोग कोई हेल्प कर सकते हैं। तो कल मेरी मित्तल जी से मीटिंग हुई कि सर आप इतने दिन से इस मुहिम को बढ़ा रहे हो, सिर्फ ये लोकल भंडारा नहीं चल रहा है कि इसमें हलवा पूड़ी बट रहा है, मित्तल जी इसके अंदर जो सब्जियों के अंदर मसाले भी डलवाए जा रहे हैं जिससे इम्यूनिटी बूस्ट की जाती है, देसी घी का हलवा है, बच्चों को दूध भी अवेलेबल किया जा रहा है। तो कल मैं मित्तल जी से मिला, इन्होंने मैंने रिक्वेस्ट करी कि हम भी साथ में मिलकर जुड़ के आपके साथ काम करना चाहते हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने हमें ये मौका दिया, इनके साथ हमने जुड़ के काम करा और बड़ा अच्छा लग रहा है। और जो स्पेशली मैं दिल्ली पुलिस की देखिए, आप जो लेडी पुलिस है, जो हमारी मातृशक्ति है, महिला शक्ति है, मैं अभी खुद अपने मित्र से बात कर रहा था, हम युवा है, 35 साल मेरी उम्र है, मैं अपने आप में रेस्ट पुस्ट हूँ, फिर भी अगर मैं भी सारे दिन इतनी भरी धूप में काम करूँ तो हो सकता है मैं भी चक्कर खाए गिर जाऊँ। मैं मात्र शक्ति है धन्यवाद करना चाहता हूँ। भरी दोपहर के अंदर 38 डिग्री टेम्परेचर अंदर दिन रात बेचारी काम कर रही है, अपने हाथ से बनाए दे रही है, जैसे माँ अपने बच्चे को खाना बनाए देती है। कोई यहाँ पे कोई हलवाई नहीं बुलाया गया है, सिर्फ सारा काम स्टाफ की तरफ से हो रहा है। तो एक जैसे माँ के रूप में जो महिला पुलिस हमारी कर्मचारी कर रही है सेवा धर्म जो है इनका, इतनी गर्मी है, देखो आप भी हो हम भी, अगर हम यहाँ पे 2 घंटे खड़े हो जाए हम पसीनों के अंदर आके कहेंगे यार AC चला ले, AC के अंदर ऑफिस में जाके बैठेंगे, हमारे बस की मेहनत नहीं है। और हो सकता है आप में से मेरे जैसे में से एक भाई तो कोई बेहोश होगी गिर जाए, फिर भी वे बेचारी दिन रात लग रही है, तो उनका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मित्तल जी का तो तहे दिल से आभार है ही मेरा कि 35 साल जीवन में मैंने नरोड़ के थाने में और काम होते बहुत देखे थे, बट ऐसा समाज सेवा वाला काम जिसमें भाई नर ही नारायण जो है, क्योंकि किसी गरीब आदमी है आज के टाइम में जिसकी बेचारी लेबर को दिहाड़ी नहीं मिल पा रही है, चौक के ऊपर कोई दिहाड़ी वाला मजदूर है 300 रुपये 400 रुपये कमाता था, उसमें 200 रुपये शाम को खाना खाता था, वो कहाँ से खाना खाएगा। देखो मैं भी अगर कुछ डोनेट करने घर से निकल रहा था, मैं सोच रहा था यार किसी को मैं दूँ, गलत हाथ में पैसा चला जाए,
सही जगह नहीं जाए। देखो ये तो ऐसा काम है भाई, जिसके भी पेट में जाएगा खाना वो सीधा आपको आत्मा से धन्यवाद देगा। उसके पेट में गया है, जिस माँ के बच्चे को दूध की थैली मित्तल जी के हाथ से बांटी जा रही है, जिस माँ के हाथ में आधा किलो थैली जब आती है, जो दो बार वो पुचकार के धन्यवाद करके जाती है, तो मैं नहीं समझता कि इससे अच्छा काम धरती को और हो सकता है। और इंडिया ने ये बहुत अच्छा अपने आप को, बल्कि हमारे नरेंद्र थाने की प्रशंसा हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके करी, और न्यूयॉर्क टाइम्स के भी एक आपको बताना चाहता हूँ मैं, एक बहुत बड़े अखबार के अंदर आया है ये, तो ये बड़ी अच्छी मुहिम है सर की। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे साथ नजफगढ़ थाने के SHO सुनील कुमार मित्तल जी भी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि देश से, पूरे देश से इस समय नजफगढ़ थाने के लिए बधाइयां आ रही हैं, जो कि लॉकडाउन के पहले दिन से ही यहां पर मजदूर और ज़रूरतमंदों को खाना दिया जा रहा है, इस बात को लेकर क्या कहते हैं? ये उत्सव का सा उत्साह जो हमारे महिला स्टाफ है उन्होंने इसमें दिखाया, और पहले दिन से ही ये लोग बहुत उत्साह से, बहुत अपनेपन से लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिसके चलते आज 54 दिन तक ये पूरी हमारी कम्युनिटी किचन रही है, जिसमें अब आप देख रहे हैं NGOs वाले जो और लोग मिलने वाले हैं, सब आके यहाँ पर हमारा योगदान कर रहे हैं। आज क्योंकि लॉकडाउन का लास्ट दिन है, कल सरकार की जो जैसी नीति आएगी उसके अनुकूल लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा, और जो सेवा मानवता के प्रति हमसे बनेगी वो हम करेंगे। तो आप देख रहे थे कि समाज सेवी भी यहाँ पर बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस को, थाना नजफगढ़ की पुलिस को बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं, और खासकर महिला पुलिस को जो अपने ड्यूटी से हटकर समय निकालकर यहाँ पर खाना बना रही हैं और इस भरी दोपहरी में उन गरीब मजदूरों को खाना दे रही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कैमरा पर्सन अजय भारती के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़ दिल्ली। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN न्यूज़, और अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।